नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश सरकार के द्वारा अपात्र लोगों से नहीं की जाएगी राशन की वसूली, केवल अपात्र लोगों को ही करना होगा राशन कार्ड सरेंडर। राशन वसूली की भ्रामक अफवाह फैलने का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने किया खंडन। गोरखपुर में विदेशी निवेश की संभावनाओं को लगेंगे पंख। उद्योग व निवेश का माहौल जानने सोमवार को गोरखपुर आएंगे यूके के राजनयिक एवं ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जेमल। टेराकोटा क्लस्टर और उद्योगों का भ्रमण करने के बाद कीडा व उद्योग विभाग के अधिकारियों से करेंगे संवाद। यूके तक होगी टेराकोटा की धूम। सैयद सालार के पर्व एवं बाले मियां के मेले को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 23 मई को सार्वजनिक अवकाश किया घोषित। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। नगर के समस्त थानों पर दुराचारी सभा के तहत थाने के सभी हिस्ट्री सीटरों की कॉमन सूची बनाकर 25% हिस्ट्री सीटर को प्रत्येक रविवार को थाने पर अपने आचरणों का करवाना होगा सत्यापन। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, न्यायालय में अपने मुकदमों की तारीख पर नहीं आने पर इनकी जमानत को निरस्त कराकर जमानतदारों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी के नेतृत्व में गठित टीम ने जनपद के विभिन्न थानों के माल खानों में रखे शराबों को थानों पर ही करवाया नष्ट। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। बाढ़ से पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। बाढ़ से निपटने के लिए पशुओं के लिए चारा, राहत किट, पानी की व्यवस्था करने के लिए संबंधित विभाग को दिए निर्देश। स्वर्ण पदक विजेता ब्राजील ओलंपिक चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी मूक बधिर आदित्य यादव के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, पूरे जनपद को गर्व है आदित्य यादव के ऊपर। रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पर लोगों को नशीला पदार्थ बेचने वाले दो अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 44 ग्राम नाजायज नशीला पदार्थ किया बरामद, भेजा जेल। रंगारंग कार्यक्रम के साथ जूनियर प्रीमियर फुटबॉल लीग का हुआ आगाज। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर फुटबॉल लीग का किया विधिवत उद्घाटन। उमेश एकादश ने 1-0 से जीता उद्घाटन मैच। जनपद में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज हवाएं व ओले पड़ने की है संभावना। रविवार को तेज हवा के साथ हुई है बारिश, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। और कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50,000 की आर्थिक सहायता लेने की जिला प्रशासन ने अंतिम तिथि 24 मई किया घोषित। एडीएम फाइनेंस ने कहा, 24 मई तक परिजन प्रपत्रों के साथ अपने तहसील पहुंचकर कर सकते हैं आवेदन, ले सकते हैं योजना का लाभ। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार के द्वारा अपात्र लोगों से राशन वसूली नहीं की जाएगी, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं कि शासन द्वारा अपात्र लोगों से राशन वसूली की जा रही है। इसमें किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा रहा है। जो खुद अपनी मर्जी से राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं तो अन्य पात्र लोगों को जोड़ा जा रहा है। किसी तरह की वसूली की कार्यवाही नहीं की जाएगी। जो पहले प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया ही मान्य होगी। जांच में जो भी अपात्र लोग हैं उनका राशन कार्ड काटा जाएगा। उन्होंने कहा, जो भी लोग भ्रामक सूचना फैलाते हैं जिला प्रशासन खंडन करता है। उन्होंने कहा, नगरीय क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसके पास किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन व एसी व 5 केवी का जनरेटर हो या आयकर दाता हो, इसके अलावा ऐसा परिवार जिसके पास 100 वर्ग मीटर का मकान या फ्लैट हो, उनको राशन कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ऐसे व्यक्ति जिनके पास
एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस हो या सदस्यों की आय 3 लाख प्रतिवर्ष हो। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी आयकरदाता हों या किसी परिवार में 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी, 5 केवी का जनरेटर हो। इसके अलावा जिसके पास अकेले 5 एकड़ से अधिक की भूमि हो या परिवार के सदस्यों की आय 2 लाख रुपए से अधिक हो या ऐसे परिवार सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस हो, उनको राशन कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा, जिसका आदेश उत्तर प्रदेश के खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त सौरभ बाबू ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, नहीं, काफ़ी भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि शासन द्वारा अपात्र लोगों को या राशन के लिए वसूली करने की बात, ये सब सूचनाओं के खंडन हम लोग करते हैं। इसमें किसी तरह की ऐसी बात नहीं की जा रही है। जो स्वतः अपनी प्रेरणा से कोई गलत तरीके से जुड़ा है, उनके द्वारा राशन कार्ड अगर सरेंडर किया जाता है तो उनके जगह पर अन्य पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा। किसी तरह की इस तरह की प्रवर्तन की कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार शासन द्वारा जैसे पूर्व में प्रक्रिया थी, पूर्व में पद्धति थी, सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी और जो भी अपात्र मिलते हैं उनको काटा जाएगा और पात्र अगर कोई वांछित रह जाता है उनकी जगह पे उनको जोड़ा जाएगा। ये गलत भ्रामक सूचना फैला रहे हैं जिसका प्रशासन खंडन करता है। जगह वही है पर फिजा नहीं है, नीति और नियत विकास परक हुई तो दशकों तक उपेक्षित गोरखपुर अब 5 सालों से विकास की नई तस्वीर में सवरने लगा है। उद्योग व निवेश के लिए शानदार डेस्टिनेशन के रूप में उभरे गोरखपुर में अब विदेशी निवेश की संभावनाओं को भी पंख लगने जा रहे हैं। उद्योग व निवेश की संभावनाओं का माहौल देखने के लिए यूनाइटेड किंगडम यूके के राजनयिक एलन जेमल सोमवार 23 मई को गोरखपुर आ रहे हैं। वह यहां ODOP में शामिल टेराकोटा क्लस्टर के साथ ही कुछ औद्योगिक इकाइयों के भ्रमण करेंगे। गीडा और उद्योग विभाग के अधिकारियों संग बैठक कर निवेश की संभावनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर संवाद करेंगे। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की स्थापना यूं तो 4 दशक पहले नोएडा की तर्ज पर हुई थी, लेकिन सरकारों की उदासीनता से यह नोएडा की तुलना में काफी पिछड़ गया। उपेक्षा का दाग मिटा 2017 में, जब गीडा के विकास के लिए अपने संसदीय कार्यकाल से ही संघर्षरत रहे योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने। 5 साल में उनके सतत प्रयासों से गोरखपुर उद्यमियों के लिए पसंदीदा स्थानों में एक हो चुका। 5 सालों में कई बड़े इकाइयों की स्थापना हुई है। गारमेंट क्लस्टर और फ्लैटेड फैक्ट्री के प्रोजेक्ट से गीडा रेडीमेड गारमेंट का हब बनने जा रहा है। यहाँ IT पार्क, प्लास्टिक पार्क, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट परवान चढ़ रहे हैं। यही नहीं, देश की नामी कंपनियों ने यहां निवेश की इच्छा जताई है। यह सिलसिला अब विदेशी निवेश की तरफ बढ़ रहा है। इसी क्रम में प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव MSME नवनीत सहगल की पहल पर यूनाइटेड किंगडम यूके के राजनयिक एलन जेमल 23 मई को गोरखपुर के दौरे पर आ रहे हैं। ब्रिटिश काउंसिल इन इंडिया के डायरेक्टर रह चुके एलन वर्तमान में ब्रिटिश शासन की तरफ से साउथ एशिया में ट्रेड कमिश्नर और ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर फॉर वेस्टर्न इंडिया की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम और एशिया के बीच निवेश संबंधों को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी गोरखपुर यात्रा को लेकर गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल का कहना है कि इससे गोरखपुर में निवेश की संभावनाएं 7 समंदर पार तक विस्तारित होंगी। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से बने औद्योगिक विकास के शानदार माहौल से संभव हो रहा है। गोरखपुर दौरे पर यूनाइटेड किंगडम के ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन टेराकोटा क्लस्टर देखने टेराकोटा गांव औरंगाबाद जाएंगे। इससे टेराकोटा शिल्प की धूम यूके तक मचने की उम्मीद और बलवती हुई है। टेराकोटा गोरखपुर का यूनिक माटी शिल्प है, जिसे एक जिला एक उत्पाद योजना ODOP में शामिल कर योगी सरकार ने संरक्षित और संवर्धित किया है। सरकार के प्रोत्साहन से आज टेराकोटा उत्पादों की जबरदस्त मांग है और इसके प्रोडक्ट कई ई कॉमर्स कंपनियों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। एलन टेराकोटा गांव में शिल्प की बारीकियों के साथ यह भी परखेंगे कि भारत यूनाइटेड किंगडम के साझा सहयोग से कैसे इसका ग्लोबल दायरा और बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि टेराकोटा के सेक्टर में विदेशी निवेश भी हो सकता है।
यूके के ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन गीडा में विकास और निवेश के बदले माहौल से भी रूबरू होंगे। संभव है कि वह कुछ औद्योगिक इकाइयों का भी भ्रमण करें। बीते 5 सालों में योगी सरकार की नीतियों व प्रोत्साहन से उद्यमियों का रुझान गीडा के प्रति तेजी से बढ़ा है। लैंड बैंक बढ़ने से उद्यमियों को उनकी मांग के मुताबिक भूखंड भी मिल रहे हैं। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 उद्यमियों को उनके 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए भूमि आवंटन पत्र सौंपा था। गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल का कहना है कि हम पूरी तरह आशान्वित हैं कि एलन यहां के बदले सकारात्मक औद्योगिक माहौल से जरूर प्रभावित होंगे और विदेशी निवेश का मार्ग भी प्रशस्त होगा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद में 23 मई को सैयद सालार एवं बाले मियां मेले का पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। उन्होंने कहा 23 मई को परंपरागत रूप से बाले मियां मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए समुदाय से बात करके, वहां के आयोजकों से बात करके अवकाश की घोषणा की गई है, जो कि पहले 30 मई को घोषणा की गई थी, लेकिन परंपरा के अनुसार मेला सैयद सालार के पर्व एवं बाले मियां मेले को ध्यान में रखते हुए सोमवार को अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, हाँ, कल एक परंपरागत रूप से एक मेला यहाँ पे आयोजित होता है, जिसके लिए कल समुदाय से बात करके, वहाँ पे आयोजकों से बात करके कल की घोषणा की गई है। पूर्व में 30 मई को घोषणा हुई थी, तो ये परंपरा के अनुसार इसको कल के लिए घोषित की गई है। एसपीसीटी कृष्ण कुमार विश्नोई की अध्यक्षता में कैंट थाने पर दुराचारी सभा का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसपीसीटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि नगर के समस्त थानों पर दुराचारी सभा के तहत हिस्ट्री सीटों के पंजीकृत गैंग के सदस्यों को बुलाकर उनकी सभा की गई। इस सभा का उद्देश्य 1 माह में सभी दुराचारियों का सत्यापन करवाना होगा। सभा के तहत प्रत्येक रविवार को थानों द्वारा सभी हिस्ट्री सीटरों की मुख्य सूची में एक कॉमन सूची बनाकर 25% हिस्ट्री सीटर को प्रत्येक रविवार को थाने पर बुलाने की जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों की होगी। यदि ऐसे दुराचारी न्यायालय में अपने मुकदमों की तारीख पर नहीं आ रहे हैं तो इनकी जमानत निरस्त कर जमानतदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी तथा आवश्यकता होने पर कुर्की भी की जाएगी। इस अवसर पर SHO कैंट शशिभूषण राय सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, तुम चोरी करते हो, तुम ही चोरी करते हो, तुम्हारा करते हो, तुम्हारा तुम करे हो, उसका नाम निकाल दे, तुम्हारा मर्डर का तुम्हारा मार दिया, ठीक है, इसका भाई चोरी जो आदमी काम करता है उसके बारे में, ठीक है, संडे यहाँ का आदमी लगेगा, तो दिहाड़ी करते हैं हम लोगों के लिए, तो ये आपका कर्तव्य बनता है, जहाँ कहीं भी गलत चीज दिखे पुलिस को बताएंगे, ठीक है, ठीक है। जनपद गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए हर माह दुराचारी सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें इस सप्ताह आज शनिवार, आज रविवार के दिन 25% दुराचारियों को थाने पर बुलाया गया एवं उनसे उनके बारे में पूरी जानकारी ली गई है एवं एक पुलिसकर्मी को हर थाने से नामित किया गया है कि वो उस अपराधी पर नज़र रखेगा। इस प्रकार से जितने भी हिस्ट्री सीटर एवं गैंग, विभिन्न प्रकार की गैंगों के सदस्य हैं, उन पर निगरानी रखी जाएगी। SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी के नेतृत्व में विभिन्न थानों पर आबकारी संबंधित अभियोग में पंजीकृत निस्तारण होने के बावजूद उनसे संबंधित शराब लंबे समय से थाने के मालखानों में रखे गए थे, जिनका निस्तारण नहीं हुआ था, जिससे थाने के मालखाने व अन्य कक्ष अनावश्यक रूप से भरे हुए थे, जिनके निस्तारण हेतु टीम गठित कर जनपद गोरखपुर के प्रत्येक थानों पर लंबित कच्ची शराब को उनके थाने पर ही नष्ट कराया गया, जिसमें सहजनवा थाने का लगभग 510 पेटी अंग्रेजी शराब
तथा 11,584 सीसी देसी शराब व थाना पे प्राइस का लगभग 1200 लीटर कच्ची शराब व 18 सीसी देसी शराब माल को थाना चिलुआताल पर जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर मालों को नष्ट कराया गया। एसपी नॉर्थ ने बताया कि सहजनवा थाना से लगभग 510 पेटी अंग्रेजी शराब तथा 11,584 सीसी देसी शराब, कैंपियरगंज थाने से लगभग 1,369 लीटर कच्ची शराब व 208 सीसी देसी शराब, चिलुआताल थाना से लगभग 4,516 लीटर कच्ची शराब व 29 सीसी देसी शराब, राजघाट थाना से लगभग 4,552 लीटर कच्ची शराब, खुराबाड़ थाना से लगभग 6,564 लीटर कच्ची शराब व 5 सीसी देसी शराब, बेलीपाड़ थाना से लगभग 7,224 लीटर कच्ची शराब, बांसगांव थाना से लगभग 2,682 लीटर कच्ची शराब व 287 सीसी देसी शराब, बड़हलगंज थाना से लगभग 700 लीटर कच्ची शराब व 37 सीसी देसी शराब, पिपराइस थाना से लगभग 1200 लीटर कच्ची शराब व 18 सीसी देसी शराब को नष्ट किया गया। इस तरह कुल 510 पेटी अंग्रेजी शराब व 12,150 सीसी देसी शराब व 27,617 लीटर अवैध कच्ची शराब को नष्ट कराया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा माल निस्तारण के संबंध में अभियान चलाया गया था, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय ने मुझे नोडल अधिकारी बनाया था। सभी थानों से प्रयास करके अधिकाधिक संख्या में माल निस्तारण कराया गया है, जिसमें शराब का माल चूंकि सबसे अधिक खराब होता है और सबसे ज़्यादा बदबू फैलाता है, इसलिए सबसे पहले उसका निस्तारण किया गया। इस समय तक जो कुल 510 पेटी अंग्रेजी शराब, 12,150 सीसी देसी शराब और 21,617 लीटर अवैध कच्ची शराब आज दिनांक तक नष्ट की जा चुकी है। जो अंग्रेजी शराब मुख्य रूप से नष्ट की गई है वो थाना सहजनवा की है, बाकी थानों से भी जो माल नष्ट कराए गए हैं उनमें कार्रवाई जारी है और आगे भी ये निरंतर प्रक्रिया जारी रहेगी ताकि माल निस्तारण होता रहे। आज कुल 9 थानों में माल निस्तारण की कार्रवाई की गई है और ये सभी थानों में की जानी है। अभी कुछ प्रक्रियात्मक अड़चने हैं, उसके कारण बाकी थानों में नहीं की गई है, शेष थानों में भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। सर, जो आज निस्तारण किया गया है इसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख होगी। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि बाढ़ राहत कार्यों के लिए व तैयारी योजना के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की गई है, जिसमें आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा, बाढ़ राहत कार्य के लिए शासन द्वारा कुल 138 करोड़ के 31 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिसका भौतिक सत्यापन भी किया गया। सभी कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है, जिससे कि सभी कार्यों को बाढ़ आने से पहले पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा, बाढ़ से निपटने के लिए राहत किट, पशुओं के चारा, पानी, शौचालय की व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। बाढ़ से निपटने के लिए लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रयास है कि लोगों के सहयोग से हम इस बार बाढ़ से निपट सकेंगे। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम खजनी पवन कुमार, एसडीएम चौरी चौरा रजत राम वर्मा, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, सबका परिचय करवा दिया गया था, जिससे एक दूसरे को लोग जानते रहेंगे। तो उस समय ये एसडीएम खजनी साहब हैं, खजनी का एक तो बाहर खंड के लोग जान ले और दूसरे लोग जान ले। आप नगर मजिस्ट्रेट साहब हैं, नगर सब तो किसी को आवश्यकता रहेगी तो बताएंगे। उद्यान हॉर्टिकल्चर से आप बोले, ठीक है, आप बगल अच्छा आप बिल्कुल इधर पीछे विभागों से लोग हों नागमल सर बाढ़ आएगी जी सर। ये इरीगेशन वालों का क्या फीडबैक मिला है?
और वो जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाला कैलकुलेशन है उसमें 90% से 100% ऊपर है या 100% ऊपर है? ठीक है, मैं बताता जाता हूँ। सब लोग सर देखे हुए इसलिए हमारे जनपद में लगभग 134 किलोमीटर का सफर तय करती है और राप्ती में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है आप लोगों को क्लियर है। कैंपियरगंज में राप्ती रोहिन के डैम पे पिछले बार हम लोगों को बहुत फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी। सर आपके आने के पहले मैंने ये कहा है सर कि तीनों डिवीजन हमारे जो बाढ़ के हैं, बाढ़ और ड्रेनेज के, ये लोग दो दो पेज का एक राइटअप बना दें कि पिछले साल किन किन जगह पे हमें फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी या कहाँ कहाँ। तो हमें रेडीमेड अभी से मालूम रहेगा SDM साहबान को कि साहब यहाँ यहाँ पिछले वर्ष प्रॉब्लम आई थी। अभी मौका भी आप देखते हैं तो तो वहाँ पे हमने उस समय कहा था साहब ये कर लेंगे तो ये 50 साल के लिए तीनों गांव हमारे, वो जो बीच वाला गांव है वो मतलब दो गांव थे 50 साल के लिए हमारे सुरक्षित हो जाएंगे। चौथा मैं बताऊँ ये जो हमारा नौशा वाली सड़क है नौशा से लेकर के कालेश्वर तक, यहाँ पर कई बार लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति पैदा हो रही थी, क्या हमने उसको ठीक कर लिया? मतलब तो आप ये लिखेंगे कि प्रॉब्लम ये आई थी और कितने दिन आई थी, फिर हमने उसका ये निदान कर लिया। इसी तरह से यहाँ आपका जो चौरी चौरा वाला एरिया है, चौरी चौरा पे जो फरेन नाला जिसको बोलते हैं, एक फरेन नाला पे बड़ा इशू हुआ था तो क्या हमने उसको हैंडल कर लिया? क्या इशू हुआ था, अचानक से हो गया था और फिर क्या हमने उसमें मौके पे तब क्या लिया था, अब हमने फाइनली कर लिया नहीं? ऐसे कुल मिला के लगभग 10 ही पॉइंट थे, लेकिन वो पॉइंट एक बार विस्तार से आप लिख देंगे तो सबको मालूम हो जाएगा और अगली बार अगर कहीं कुछ आएगी तो तुरंत उसको शॉर्ट आउट कर सकेंगे। चार पेज का एक राइटअप बना दो। आर के पांडे साहब है सर, एक्सल साहब है, जनरल से भी यही साहब है सर, के लिए बड़े से मैप में पूरा चिन्हित कर देंगे और प्रॉब्लम और पिछले वर्ष क्या निदान किया गया था और अब उसका अंतिम निदान हो पाया नहीं हो पाया। जिससे अगर नहीं हमारे यहाँ बाढ़ इसलिए आ जाती है कि पीछे का पूरा पानी जो आता है वो हमारे यहाँ आकर के रुक जाता है और आगे जो हमारा साइफन एक प्रकार से जो गंगा में जाने का मार्ग है तो लंबे समय तक वो बना रहता है और हमारे बंधों पर दबाव बनाता है। अगला ये एक बार सब लोग हमारे मेन चैनल में मतलब राप्ती में और घाघरा में कहां से कौन नदी जुड़ रही है और कहां कहां हमारे वो पॉइंट बने, जो मतलब जल स्तर है वाटर लेवल क्या है, तो ये भी हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे एक बार इसकी जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है इसकी रही। लेकिन अगले बार यहाँ पर बड़ी आ गई आगे बढ़े। हमारे जनपद की जो सबसे बड़ी बाढ़ है जो अभी तक की उच्चतम है वो 98 वाली है, इसके बाद ये जो अभी 2021 में आई वो लगभग उसके पास तक पहुंच गया, जनसंख्या निवास कर रही है। तो अभी हम आगे इस पर चर्चा कर लेंगे। उसमें एक बड़ा इशू आता है जो दो लोगों से संबंधित रहेगा, एक जलतल से, मैं GDA तहसील है, सब जगह बाढ़ कंट्रोल रूम बन जाएंगे, उनके नंबर फ्लैश कर दिए जाएंगे। आगे बढ़े, बाढ़ चौकियां है, ये अच्छी बात है कि सभी जगह सस्ता पड़ता है लेकिन उसको लोग खाते नहीं है। और पूरी सब्जी में क्या समस्या आ जाती है कि वो खाने योग्य नहीं रह जाता, विलंब हो जाता है। तो दाल चावल रोटी सब्जी का आपको टेंडर कर लेना होगा। हम लोगों का 2020 का अनुभव है वो 40 रुपए में सामान्य दाल चावल रोटी सब्जी उपलब्ध करा देते हैं, सामान्य सा खाना। तो आप दाल चावल रोटी सब्जी का टेंडर कर ले अभी से, जिससे उस समय मतलब इसका भी कर ले, पूरी सब्जी का कर ले और तहरी का कर ले, तो उस समय जैसी जहां आवश्यकता रहेगी उस समय वो उसको सर्व किया जा सकेगा। हमने कोविड में देखा है किस तरह संवेदनशील अति संवेदनशील। देखिए मैं भी कह सकता हूं कि मैंने एक्चुअल में अभी LFL का मतलब हो गया लो फ्लड लेवल के समय कौन से गांव प्रभावित हो रहे हैं, मीडियम के समय कौन से हो रहे हैं और हाई के समय कौन से हो रहे हैं। तो नेचुरली हमें उन गाँव को देखना चाहिए, केवल आप LFL देख लें, नेचुरली जो LFL होगा वो HFL में सीवरली प्रभावित रहेगा, सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। जो LFL का गांव है HFL के समय वो सर्वाधिक प्रभावित होगा, सर्वाधिक प्रभावित होगा। तो LFL हमारे 146 हैं
समय निकाले, वैसे मतलब हम कहने के लिए कह रहे हैं लेकिन हमने स्वयं करके देखा तो बड़ा टाइम टेकिंग है और बड़ी दूर दूर तक चलना है और इतनी धूल है अभी जिन भी बंधों पर मैं गया पूरा पूरा आप समझिए कि 10-10 इंच 8 इंच से 10 इंच धूल है, कहीं ट्रैक्टर चल गए हैं, डंपर चल गए हैं। कल मैं मलाव बंधे पे ही गया था और इधर जो दूसरे बंधे पे दो बंधों पे गया था, दोनों पर इतने ज्यादा जेसीबी चले हुए हैं कि आप एक तरफ भी जाते हैं छिछलाती धूल है तो बहुत आसान नहीं है कि आप पूरे एरिया देख लें। लेकिन ऑफ टाइम में प्रयास करें कि कम से कम 50% एरिया अगर एसडीएम साहब देखे होंगे, देख लेने से एकदम ये आइडिया रहता है। जैसे अब मैं मलाव दिखाया ना, या पिछले साल मैंने बाजगांव वाले क्षेत्र देखे थे, तो कुछ भी है तो हमें अब आइडिया है कि वहां बाढ़ आएगी तो हमें क्या करना है। वहां बनवा लें जल्दी, कब बनाने में 10-15 दिन लगता है, जो उससे ज्यादा नहीं लगता। ये जरूर इसलिए करा लें कि उस समय वाकई बहुत प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, हैंडपंप से जो पानी निकलेगा कम से कम वो नहाने धोने और शौच में प्रयोग हो जाएगा, जो बाढ़ का पानी होता है वो इस योग्य नहीं रहता है। आगे बढ़ेगा और एसडीआर पर्याप्त मात्रा में और ये बड़ी अच्छी भूमिका भी निभाते हैं उस समय। किसी भी समय कॉल करने पर एसडीआरएफ भी हमें मिल जा रही है, एनडीआरएफ भी मिल जा रही है, सीएनडीएस और प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है विभिन्न योजनाओं में, वो काम जून तक पूरा करने का आश्वासन इनका मिला है। मैं समीक्षा ले रहा हूँ, इसमें घटक इसमें है शहर के जलभराव की समस्या, इसमें पहला बिंदु है सर, इसकी कार्यरित में डालवा दीजिए जो इन्होंने आपके कब तक बनेगा तुम्हारे कार्य आशा तक दे देंगे तो उसको इसमें जोड़ दीजिएगा। इसमें कुछ और टिप्पणी की जरूरत है सर, आगे बढ़ जाए, ठीक है, बड़ी समस्या सर। सर तो अभी से टॉयलेट की साइटिंग एसडीएम देंगे एक हफ्ते के भीतर, कहाँ कहाँ टॉयलेट बनना है, ठीक है, बंदे के पास या स्कूल्स पे या जहाँ आबादी शिफ्ट होती है विस्थापित होती है इन जगह पे। दूसरा, जहाँ जहाँ हैंडपंप की आवश्यकता, ठीक है, इसमें स्टेक होल्डर बहुत है, इसमें रेसिलियंस किसका रहता है, हम लोग ये ना सोचें कि सरकार सब कुछ करती है, लोग खुद ही करते हैं, लोगों में इनबिल्ट एक ताकत आ गई है लड़ने में फ्लड्स में, तो उनको पता है कहाँ हैंडपंप चाहिए और कहाँ चाहिए, तो उनसे सुझाव लीजिएगा, उनके सुझावों को प्रशासनिक तराजू पे तोड़ कर दीजिएगा हमें, और उसके बाद आप एडीएम साहब एक बैठक ले लीजिए। जैसे बाढ़ राहत कार्यों के लिए तैयारी योजना के लिए हाँ सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की गई है, जिसमें आपूर्ति विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और विशेषकर बाढ़ कार्य करने के कार्य जो शासन द्वारा स्वीकृत किए गए, हमारे जनपद में 31 कार्य करीब 138 करोड़ के स्वीकृत हैं, उसका भौतिक सत्यापन किया गया था। सभी कार्यों के समयबद्धता गुणवत्ता को परीक्षण किया जा रहा है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, समय से ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इस बार हमारी बाढ़ के लिए तैयारी, चाहे वो निविदाओं के संबंध में हो, आपूर्ति किट्स और अन्य सामग्री के समय से उपलब्धता की बात हो, और प्रशिक्षण और जन जागरूकता फैलाने की बात हो, हर स्तर पर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोग इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लोगों के सहयोग से, सभी जनमानस के योगदान से हम इस बार भी लोगों को बाढ़ जैसे अपरिहार्य या आकस्मिक घटनाओं में हम लोगों को राहत दे पाएंगे। स्वर्ण पदक विजेता ब्राजील ओलंपिक चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी मूकबधिर आदित्य यादव के सम्मान समारोह का आयोजन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। जिलाधिकारी ने बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य यादव को अंगवस्त्र, बुके व मोमेंटो देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि आदित्य यादव के ऊपर पूरे जनपद को गर्व है। जिस तरह से आदित्य यादव ने अपने परिवार, जनपद तथा पूरे पूर्वांचल का नाम रोशन किया है, उन्होंने सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करते हुए कहा कि स्टेडियम पहले से सुंदर हो गया है, यहाँ पर कोचों की तैनाती की गई है, सभी खिलाड़ी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें, जिला प्रशासन और शासन निरंतर इसके ऊपर काम कर रहा है। इस अवसर पर पूर्व मेयर सत्या पांडे, उत्तर प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला एवं जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, एक गोल्डन गर्ल आदित्य यादव, एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया आदित्य यादव का। स्वर्ण पदक दिलाकर बैडमिंटन के 24वें डेक ओलंपिक गेम्स ब्राजील के अंदर जो अभी हुए, भारत ने उसमें भाग लेते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किया है।
हम ऐसे अवसर पर सिखला जी मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे भी श्री पुष्पधर जैन साहब क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष और उसकी संघीय अध्यक्ष जी मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। श्री धीरज सिंह जी, श्री धीरज सिंह उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के खेल अध्यक्ष, हॉकी इंडिया के आप जो हमारे जिम्नास्टिक के सेक्रेटरी हैं हमारे बीच मौजूद हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मंच पर आसीन सभी मनोबल बढ़ाते हुए उनको बुके प्रदान करते हुए श्री हरी सिंह जी और उनके बड़े बातें इसमें प्रथम महिला होती है मैं उनका हार्दिक खिलाड़ियों को क्रीड़ा जन स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पीछे रहिए ना थोड़ा सा, अब मोबाइल भी पढ़ते आइए पढ़ते सम्मानित करें। और बता दूं कि जब बच्ची जा रही थी मुझे स्पेशल रूप से कहा कि बच्ची को बुला के स्टेडियम डीएम साहब ने अपनी ब्लेसिंग दी थी कि बच्ची अगर सौ पर लग जाती है तो स्टेडियम में उसको भव्य स्वागत किया जाएगा। आज खिलाड़ियों के बीच हमारे गणमान्य अतिथिगण सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी खिलाड़ियों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनको इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे अहम बात, आज हमारे बीच आदित्य को पाकर हम लोग बहुत बहुत हर्ष महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारे जनपद का नाम रोशन करने के लिए, आपकी कड़ी मेहनत के लिए, आपके परिश्रम के लिए हम तहे दिल से नमन करते हैं। और आपको एक इससे भी आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा कीर्तिमान हासिल करने के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये विश यू ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग ऑन। हम सब आपके साथ हैं, पूरा जिला, पूरा प्रशासन, शासन प्रशासन, माननीय जनप्रतिनिधिगण सभी आपके साथ हैं। आपने एक खेल की संस्कृति को एक और नया आयाम गोरखपुर को दिया है। खेल बहुत ही वैल्यू न्यूट्रल होता है, जब खेलते हैं तो आपस में जो आत्मीयता बनती है, जो भावना बनती है, जो संकल्प बनता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। मैं इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया में एक चीज़ जो मैंने बहुत कुछ सीखी है, दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, जिन्होंने फुटबॉल खेला है और जिन्होंने फुटबॉल नहीं खेला है, दो ही तरह के लोग हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस टूर्नामेंट के लिए। खूब मन लगा के खेलिएगा, आगे बढ़िएगा और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत भजन सम्राट श्री नंदू मिश्रा जी हमारे बहुत ही अच्छे एक खिलाड़ी और एक भजन सम्राट। आज रीजनल स्टेडियम में माननीय जिलाधिकारी जी के द्वारा जो आदित्य यादव जो हमारी पूर्वांचल की प्रतिभा इस पायदान में काम करके देश में नाम कर रही है, इसके लिए उसे सम्मानित किया गया है और उसको हृदय से बधाई। और कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और यहाँ के क्या संदेश देना चाहेंगे? और हमारे बच्चे इस कार्यक्रम के द्वारा इसके द्वारा और प्रतिभा आए और हमारे बच्चे और आगे जाएं जो पूरे देश में नाम करें, जिससे हमारे पूर्वांचल, हमारे गोरखपुर का नाम हो। आदित्य यादव पे हम सबको गर्व है, हमारे पूरे जनपद को गर्व है। हमारे सभी खिलाड़ियों का हौसला वर्धन उसके इस अचीवमेंट की वजह से हुआ है। मैं आपके माध्यम से गोरखपुर जनपद के सभी प्रतिभाशाली हमारे खिलाड़ी युवक युवतियों को अनुरोध करूँगा, स्टेडियम अभी हमारे काफ़ी सुदृढ़ हो गया है, यहाँ पर बहुत अच्छे कोचेस की तैनाती हुई है, उपकरण हैं, सभी गेम्स में बहुत अच्छे बैचेस चल रहे हैं, बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें। जैसे आदित्य ने हमारे जनपद का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का, हमारे पूरे पूर्वांचल का नाम रोशन किया, वैसे ही और सफलता की कहानी उभर के आनी चाहिए। प्रशासन शासन निरंतर इसके ऊपर काम कर रहा है, सबका सहयोग मिलेगा तो इस तरह की और सफलता की कहानियाँ उभर के आएंगी और आदित्य यादव उभर के आएंगी। ये इसी प्रार्थना के साथ, इसी संकल्प के साथ हम लोग सभी मिलकर काम करें। धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश सरकार के द्वारा अपात्र लोगों से नहीं की जाएगी राशन की वसूली, केवल अपात्र लोगों को ही करना होगा राशन कार्ड सरेंडर। राशन वसूली की भ्रामक अफवाह फैलने का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने किया खंडन। गोरखपुर में विदेशी निवेश की संभावनाओं को लगेंगे पंख, उद्योग व निवेश का माहौल जानने सोमवार को गोरखपुर आएंगे यूके के राजनयिक एवं ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जेमल। टेराकोटा क्लस्टर और उद्योगों का भ्रमण करने के बाद कीडा व उद्योग विभाग के अधिकारियों से करेंगे संवाद। यूके तक होगी टेराकोटा की धूम। सैयद सालार के पर्व एवं बाले मियाँ के मेले को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 23 मई को सार्वजनिक अवकाश किया घोषित। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। नगर के समस्त थानों पर दुराचारी सभा के तहत थाने के सभी हिस्ट्री सीटरों की कॉमन सूची बनाकर 25% हिस्ट्री सीटर को प्रत्येक रविवार को थाने पर अपने आचरणों का करवाना होगा सत्यापन। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, न्यायालय में अपने मुकदमों की तारीख पर नहीं आने पर इनकी जमानत को निरस्त कराकर जमानतदारों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी के नेतृत्व में गठित टीम ने जनपद के विभिन्न थानों के माल खानों में रखे शराबों को थानों पर ही करवाया नष्ट। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। बाढ़ से पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। बाढ़ से निपटने के लिए पशुओं के लिए चारा, राहत किट, पानी की व्यवस्था करने के लिए संबंधित विभाग को दिए निर्देश। स्वर्ण पदक विजेता ब्राजील ओलंपिक चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी मूक बधिर आदित्य यादव के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, पूरे जनपद को गर्व है आदित्य यादव के ऊपर। रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पर लोगों को नशीला पदार्थ बेचने वाले दो अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 44 ग्राम नाजायज नशीला पदार्थ किया बरामद, भेजा जेल। रंगारंग कार्यक्रम के साथ जूनियर प्रीमियर फुटबॉल लीग का हुआ आगाज। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर फुटबॉल लीग का किया विधिवत उद्घाटन। उमेश एकादश ने 1-0 से जीता उद्घाटन मैच। जनपद में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज हवाएं व ओले पड़ने की है संभावना। रविवार को तेज हवा के साथ हुई है बारिश, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। और कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50,000 की आर्थिक सहायता लेने की जिला प्रशासन ने अंतिम तिथि 24 मई किया घोषित। एडीएम फाइनेंस ने कहा, 24 मई तक परिजन प्रपत्रों के साथ अपने तहसील पहुंचकर कर सकते हैं आवेदन, ले सकते हैं योजना का लाभ। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply.
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए, दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान विकास सोनकर पुत्र हरि सोनकर निवासी रुद्रपुर वार्ड नंबर 11 थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया, दूसरा अजय गौड़ पुत्र राकेश गौड़ निवासी लाला टोली थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया के रूप में हुई है, जिनके पास से 44 ग्राम नाजायज नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम रेलवे स्टेशन बस स्टेशन व अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर राह चलते लोगों को नशीला पदार्थ बेचकर जीविकोपार्जन करते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल पत्तू गौतम, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, प्रेम बहादुर सिंह शामिल रहे। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम पर रविवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ जूनियर प्रीमियर फुटबॉल लीग का उद्घाटन हुआ। जूनियर प्रीमियर फुटबॉल लीग के मैच के प्रारंभ के पूर्व उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। उद्घाटन मैच वैलेंटाइन फुटबॉल क्लब और उमेश एकादश फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया। दोनों टीमें टक्कर की थी और मैच को उमेश एकादश ने 1-0 से जीता। मैच के निर्णायक मेहताब अहमद, ओपी गौड़, रतन सिंह, सगीर अहमद रहे। उद्घाटन समारोह में भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महानगर संयोजक लघु उद्योग उमेश अग्रहरी, भाजपा महानगर उपाध्यक्ष रणविजय शाही, हर्ष श्रीवास्तव, रजत गुप्ता, शुभम अग्रहरी, कर्मवीर सिंह, राहुल श्रीवास्तव, शिवम राय, इंद्रमणि उपाध्याय, धीरज सिंह, हरीश राहुल चौबे, विष्णु शंकर श्रीवास्तव, निखिल मोटानी, सतेंद्र सिन्हा, जितेंद्र बहादुर चंद, पूर्व मेयर सत्या पांडे, गिरिजेश गुप्ता, सुनीता अग्रहरी, श्वेता श्रीवास्तव, जिला फुटबॉल सचिव हमजा खान, एमपी गौड़, गौतम सरकार, अमिता गुप्ता, सूरज छेत्री आदि उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, पूर्व महानगर अध्यक्ष आदरणीय राहुल श्रीवास्तव जी स्वागत करते हैं, जो व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, रुचि कोरी जी भी उपस्थित है। हम महेंद्र से अनुरोध करेंगे, स्टेडियम में मंडल पीछे जा थोड़ा वैलेंटाइन दोनों टीमें तैयार रहेंगी। प्रतिदिन डे लाइट में दो मैच खेले जाएंगे।
फुटबॉल में भी यह खिलाड़ी आगे बढ़े, गोरखपुर के नाम रोशन करें। मैं समझता हूं कि निश्चित ही गोरखपुर पहले भी खेल के मामले में आगे रहा है, चाहे वो क्रिकेट का हो चाहे वो हॉकी का हो। इसको प्रोत्साहित करने के लिए गोरखपुर के वासियों से आग्रह करेंगे कि उनको प्रोत्साहन दें, कार्यक्रम में यहाँ आकर के उनके मनोबल को बढ़ाएं, खेल को देखें और उनके माध्यम से यह खेल बढ़े। मैं एक बार पूरा पार्टी वेलफेयर सोसाइटी को जो है इसके लिए शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आमिर खान है अभी तो टीमों से परिचय प्राप्त किए हैं और यह बहुत अच्छी बात है कि आईपीएल के तर्ज पर ही फुटबॉल के टूर्नामेंट को यहां पर लोगों ने शुरू किया है और फर्स्ट प्राइज तक 2 लाख रुपए तक का रखा है। 3 या 4 टीमें हैं, 4 टीमों में से 3 टीमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रहेंगी। गोरखपुर पहले से भी फुटबॉल के मामले में
काफ़ी सराहनीय खिलाड़ियों का क्षेत्र रहा है, यह आगे और बढ़ रहा है, मुझे इसकी प्रसन्नता है। मैं समझता हूं कि हॉकी और ये फुटबॉल, ये दोनों गोरखपुर की प्रमुख पसंद बने, यही शुभकामना है। क्या कहेंगे बाकी युवाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे खेल में? कह तो रहा हूँ कि सबको मैं शुभकामना इस बात को देता हूँ कि हॉकी और फुटबॉल ये दो जो भारतीय पूरी तौर पर हुए हैं, उसमें सभी लोग लगे और इसका प्रचार प्रसार करें। जनपद में अगले दो दिनों तक तेज हवाएं व ओले पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि रविवार को तेज हवा के साथ बारिश हुई है। ब्लॉकों व तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है कि कहीं पर किसी प्रकार की जन हानि पशु हानि हुई हो तो वह आपदा मोचन निधि के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग द्वारा सूचना अनुसार जनपद में 2 से 3 दिनों में तेज हवा और बारिश की संभावना है तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओले भी गिर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी रात में काफ़ी झोंकेदार हवा चली है और बारिश भी हुई है कुछ जगहों पर, तो इसके संबंध में सभी तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है कि कहीं किसी प्रकार की कोई क्षति हुई हो, चाहे पशु हानि, जन हानि या फिर कहीं मकान क्षति वगैरह का, तो उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है सभी तहसीलों से, जिससे कि जो भी प्रभावित परिवार हैं उन्हें राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सर आगे क्या स्थिति है? अभी जो हमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो अभी हमें फोरकास्ट प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार अभी गोरखपुर में बेसिकली आने वाले 1-2 दिनों तक, मतलब उन्होंने 23 तारीख और 24 तारीख के बीच में उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि एक बार फिर इसी तरीके से झोंकेदार हवा भी चलेगी। उनके रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थलों पर ओले भी पड़ने की संभावना उन्होंने व्यक्त की है, तो अभी कुछ दिनों तक मतलब जनपद में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह का मौसम बना रहेगा अगले 3-4 दिनों तक। जिला प्रशासन ने कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजनों को 50,000 की आर्थिक सहायता लेने की अंतिम तिथि 24 मई घोषित किया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार के द्वारा जिले के लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई थी, उनके परिजनों की 50,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही थी, जिसका अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है 24 मई तक। जिनके घर में कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है और अभी तक 50,000 रुपया नहीं मिला है, अगर उनके पास जाँच रिपोर्ट है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, तो 24 मई तक अपने रिपोर्ट को तहसील में आकर जमा करवा दें या ऑनलाइन आवेदन कर दें, जिससे उनके परिजनों को 50,000 की आर्थिक सहायता दिया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और आपको ये सूचित करना है कि राज्य शासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जिन लोगों की कोविड में दुर्भाग्य से मृत्यु हुई थी उनके वारिसानों को 50,000 रुपये की अहेतुक सहायता दी जा रही थी, अभी इसकी एक अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। कल अर्थात 23 तक ये अंतिम तिथि थी, लेकिन कल छुट्टी है, तो इसको 24 तक आप मान लें कि 24 तक जिनको भी, यदि किसी के पास, किसी के यहाँ दुर्भाग्य से ऐसा हुआ है कि कोविड से मृत्यु हुई है और उनको अभी तक 50,000 रुपये नहीं मिला है, उनके पास यदि जाँच रिपोर्ट है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, तो वो 24 तक हर हाल में अपनी तहसील में इसे अप्लाई कर दें। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश सरकार के द्वारा अपात्र लोगों से नहीं की जाएगी राशन की वसूली, केवल अपात्र लोगों को ही करना होगा राशन कार्ड सरेंडर। राशन वसूली की भ्रामक अफवाह फैलने का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने किया खंडन। गोरखपुर में विदेशी निवेश की संभावनाओं को लगेंगे पंख, उद्योग व निवेश का माहौल जानने सोमवार को गोरखपुर आएंगे यूके के राजनयिक एवं ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जेमल। टेराकोटा क्लस्टर और उद्योगों का भ्रमण करने के बाद कीड़ा व उद्योग विभाग के अधिकारियों से करेंगे संवाद, यूके तक होगी टेराकोटा की धूम। सैयद सालार के पर्व एवं बाले मियां के मेले को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 23 मई को सार्वजनिक अवकाश किया घोषित, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी।
नगर के समस्त थानों पर दुराचारी सभा के तहत थाने के सभी हिस्ट्री सीटरों की कॉमन सूची बनाकर 25% हिस्ट्री सीटर को प्रत्येक रविवार को थाने पर अपने आचरणों का करवाना होगा सत्यापन। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, न्यायालय में अपने मुकदमों की तारीख पर नहीं आने पर इनकी जमानत को निरस्त कराकर जमानतदारों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी के नेतृत्व में गठित टीम ने जनपद के विभिन्न थानों के माल खानों में रखे शराबों को थानों पर ही करवाया नष्ट। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। बाढ़ से पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। बाढ़ से निपटने के लिए पशुओं के लिए चारा, राहत किट, पानी की व्यवस्था करने के लिए संबंधित विभाग को दिए निर्देश। स्वर्ण पदक विजेता ब्राजील ओलंपिक चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी मूक बधिर आदित्य यादव के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, पूरे जनपद को गर्व है आदित्य यादव के ऊपर। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर लोगों को नशीला पदार्थ बेचने वाले दो अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 44 ग्राम नाजायज नशीला पदार्थ किया बरामद, भेजा जेल। रंगारंग कार्यक्रम के साथ जूनियर प्रीमियर फुटबॉल लीग का हुआ आगाज। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर फुटबॉल लीग का किया विधिवत उद्घाटन। उमेश एकादश ने 1-0 से जीता उद्घाटन मैच। जनपद में अगले 2-3 दिनों तक तेज हवाएं व ओले पड़ने की है संभावना। रविवार को तेज हवा के साथ हुई है बारिश, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। और कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50,000 की आर्थिक सहायता लेने की जिला प्रशासन ने अंतिम तिथि 24 मई किया घोषित। एडीएम फाइनेंस ने कहा, 24 मई तक परिजन प्रपत्रों के साथ अपने तहसील पहुंचकर कर सकते हैं आवेदन, ले सकते हैं योजना का लाभ। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।